करसोग में पहला हिमालय हेल्थ केयर डायलिसिस सेंटर सनारली में खुल चुका है। सुविधा के लिए संपर्क करें। जर्नल ओपीडी के लिए भी रोगियों को सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। संपर्क करें दविंद्र कुमार 9882465186। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं करसोग से नरेंद्र शर्मा आपके साथ। आज हम शिवांश के घर पहुंचे हैं। ये यूक्रेन में जो युद्ध की काली छाया में आजकल इन दिनों जो चर्चा में है, ये यूक्रेन में फंसे हुए थे, हालांकि पूरी तरह सुरक्षित थे और पिछली रात ही ये करसोग पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे हैं, अपने परिवार के पास पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि युद्ध के दौरान वहां पर क्या स्थिति है और कैसे ये यूक्रेन से निकल कर जो है वो अपने घर पहुंचे हैं, भारत पहुंचे हैं, परिवार बहुत खुश है। इनसे भी बात करेंगे। इनके माता जी हमारे साथ हैं, इनकी जो बहन है उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको ये बता दें कि हम आपको पूरी बात बताएंगे कि यूक्रेन से शिवांश भारत कैसे निकले हैं, भारत सरकार का क्या सहयोग रहा है, हिमाचल सरकार का क्या सहयोग रहा है और करसोग प्रशासन के पास किस तरह से जानकारियां पहुंचते हुए निरंतर शिवांश के साथ जो है प्रदेश में भी जुड़े रहे हैं, शिवांश का मनोबल भी वहां पर बढ़ाते रहे हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी हम शिवांश जी से बात करेंगे, परंतु आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करते जाएँ। तो आइए हम शिवांश जी से भी बात करते हैं। हमारे साथ हैं यूक्रेन से लौटे शिवांश हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे वहां से कैसे ये करसोग पहुंचे हैं। शिवांश जी, आपका करसोग पहुंचने पर और अपने देश अपने वतन पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। दिव्य हिमाचल टीवी द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आप बताएं शिवांश जी के वहां पर क्या हालात हैं, उसकी जानकारी आप जो है वो आंखों देखी जानकारी जो है वो आप बताएं कि क्योंकि जो भी हमारे भारत के लोग वहां पर जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं उनके परिवार वाले बहुत चिंतित थे, वहां की आप स्थिति बताएं कि जो आपने आंखों से देखी है सामान्य जो वहां स्थितियां हैं। क्योंकि मैं वहां पर 24 जब से वहां पर वॉर स्टार्ट हुई थी मैं वहां पर ही था, तो उससे पहले वहां पर सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल थी, लेकिन जब से वहां पर सिचुएशन थोड़ी दिक्कत वाली हुई थी, जब से शेलिंग स्टार्ट हो गई थी, बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी, पहले सिचुएशन उतनी हमें ख़तरनाक नहीं लगी क्योंकि शेलिंग और बॉम्बिंग कंट्री साइड में हो रही थी, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो रही थी। उसके बाद वहाँ पर हमें एडवाइजरी जारी कर दी थी इंडियन एम्बेसी ने भी कि आप बंकर में चले जाइए और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बंकर में चले जाइए। तो हमने उससे पहले ही सारा सामान राशन ख़रीद लिया था और पैसे भी निकाल दिए थे ज़रूरत पड़ने के लिए। और उसके बाद हम अंडरग्राउंड बंकर चले गए थे और न्यूज़ तो हम देख ही रहे थे कि सिचुएशन कैसी चल रही है बंकर के बाहर। और दो दो घंटे के लिए हमें बाहर जाने का भी मौका मिल रहा था ताकि हम जल्दी से जल्दी फ्लैट जाकर अपने खाना बना सके और बेसिक चीज़ें जो भी हमें अपने साथ ले आ सकते थे वहाँ से ले आए, और ताकि हमारा रहना जो बंकर के अंदर था वो ठीक हो सके। और इसके बाद सिचुएशन बाहर हमें उतनी पता नहीं थी क्योंकि हम बंकर के अंदर थे, लेकिन जितना हमें न्यूज़ में दिख रहा था शेलिंग उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया में भी स्टार्ट हो चुकी थी, बिल्डिंग्स काफ़ी टूट रही थी और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। तो ऐसे ही हमने 4-5 दिन बंकर के अंदर बिताए। वैसे ही डर का माहौल भी था वहाँ? डर का माहौल बंकर के अंदर नहीं था पर बाहर ज़रूर था क्योंकि आवाज़ें वहाँ पर बाहर जब हम जा रहे थे आवाज़ें आती ही जा रही थी, डर था। आपने शिवाजी युद्ध को बहुत बहुत नज़दीक से देखा है, हाँ जी, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कोई सहयोग जो है वो किस तरह से रहता है? स्थानीय लोगों का सहयोग इसमें था कि उन्हें पता था कि हम स्टूडेंट्स हैं, खाने की सप्लाई नहीं हो सकती है क्योंकि हमें इतना कुछ आइडिया नहीं होता बाहर का, तो उन्होंने खाने के लिए हमें काफ़ी कुछ डोनेट किया, प्लस रहने ताकि हमारा सोना और ज़्यादा अच्छा बीत सके तो उन्होंने हमें मैट्रेस प्रोवाइड करवाई। बंकर में कितने दिन रहे आप? बंकर में हम 5 दिन थे, 5 रात 3 बिताई हमने बंकर में। वहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप किस सिटी में थे? मैं खारकी सिटी के अंदर और बॉटनिचनी साद नाम की एक जगह है जी, वहाँ पर था, उस मेट्रो स्टेशन के बंकर के अंदर था मैं। तो वहाँ पर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो कभी आपकी मदद के लिए या आपकी कोई सहायता करने के लिए आए? आए थे जरूर आए थे क्योंकि वहाँ के मेयर जो हम मेयर होते हैं, मेयर चुने जाते हैं, तो उनके मेयर्स ने सभी के लिए जो भी बंकर के अंदर फंसे हुए लोग थे उनको उन्होंने
फूड सप्लाई और खाने पीने की जगह साथ साथ उन्होंने हमें कंबल रजाई ये सब कुछ भी डोनेट किया और पूछते रहते थे हर मतलब बार बार आकर वो हमसे पूछते रहते थे कि आप ठीक हो आपको मेडिकल एड की जरूरत तो नहीं है बाकी सब कुछ। तो जब आप बंकर से निकले और भारत आने के लिए जो है आपके प्रयास जो हुए उसमें जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके आधार पर आप वहाँ से निकले? एडवाइजरी जारी हो चुकी थी पर सिचुएशन बहुत ख़राब थी बाहर, पर दिक्कत ये थी कि हमें खुद अपने आप हमने अपने खुद के बलबूते पर ही आना पड़ा क्योंकि इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट अपना पूरा प्रयास कर रही थी पर वो उनको भी उनको दिक्कत आ रही थी कि हम तक पहुंचने के लिए क्योंकि इसलिए हमें हिम्मत करके 28 की सुबह 6 बजे हमने थोड़ी हिम्मत करके अपने आप ही हम जब कर्फ्यू बंद हुआ था सुबह 6 बजे तो हमने टैक्सी करवाने की कोशिश की जो कि नहीं हो पाई इसलिए हमने अपना सारा सामान उठा के पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। वो 5 किलोमीटर था पैदल तो हम पैदल 5 किलोमीटर वहाँ पहुँचे रेलवे स्टेशन था हाँ जी और फिर वहाँ से हमने 9 बजे की ट्रेन थी वो हम उस पर बैठे मुश्किल से क्योंकि बहुत भीड़ बाहर भीड़ थी रेलवे स्टेशन के अंदर सभी को वहाँ से निकलना था तो पर फिर भी हम कुछ करके हम अंदर बैठ गए थे। फिर 18 घंटे के बाद हम लवी पहुँच गए थे वहाँ से सेफ जगह थोड़ी तो वहाँ से भारतीय सरकार की ओर से जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कुछ सहायता की गई। लवीव में जब हम पहुंचे थे तो हमने वहाँ पर इंडियन एम्बेसी ऑफ पोलैंड को और हंगरी को कॉल करा था हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर लवीव में आपकी कुछ फैसिलिटी है कि नहीं है कि आपको हम बॉर्डर तक पहुंचने के लिए तो उन्होंने बोला कि अभी हम वहाँ तक नहीं पहुंच पाए लवीव तक पर आपको आप टैक्सी करवा कर वहाँ से बॉर्डर तक आ जाइए हम बॉर्डर में आपको पिकअप कर लेंगे। तो हमने वहाँ से टैक्सी करवाई थी 1 घंटे 30 मिनट की टैक्सी का समय था लगा जिसमें हमें और हम वहाँ पहुँचे बॉर्डर के पास फिर वहाँ से एम्बेसी ने हमें आसानी से वीज़ा दिलवाया और हमें वहाँ से बसेस बुक करवाई थी जो उन्होंने उस पर हम बिठाया और फिर हम वहाँ से जो उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड करवाया था हमें वहाँ पर होटल जो था उस पर फिर उन्होंने हमें खाना और रहने के लिए जगह और गर्म चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी। भारत सरकार हिमाचल सरकार करसोग प्रशासन की ओर से आपको कितना सहयोग मिला? जब हम बॉर्डर पहुंच चुके थे उसके बाद सब कुछ जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी वो सब हिमाचल इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ने ही करवाई है। उसके बाद जिसमें इंक्लूड होता है आपका बॉर्डर में वीज़ा लगवाना हमें बॉर्डर से लेकर अपने होटल तक पहुंचाना फिर उसके बाद हमें वहाँ पर खाना खिलाना सब कुछ रहने का उसके बाद से हमें एयरपोर्ट ले जाना वहाँ से हमारी फ़्लाइट्स की टिकट बुक करवाना से लेकर जब हम दिल्ली पहुँचे आईजीआई उसके बाद वहाँ से हमें हिमाचल फिर हमें वहाँ से हिमाचल गवर्नमेंट ने हिमाचल भवन में रुकवाया फिर वहाँ पर हमें फिर से खाना खिला के और फ्रेश होके हम वहाँ से फिर उन्होंने हमारी बसेस बुक करवाई थी शिमला के लिए तो हम शिमला तक ऐसे आए। पिछले 4 सालों से लगभग आप वहीं जो है पढ़ाई मेडिकल की कर रहे हैं। हाँ जी तो आपको क्या लगता है वहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे या हो जाएंगे? जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते थे वो भी आपके संपर्क में है? यूनिवर्सिटी से हमारी बातचीत हुई थी कि यही पूछा हमने भी था कि अब हमारी पढ़ाई का कैसी सिचुएशन रहेगी बाद में वॉर के बाद तो उन्होंने बोला कि बस वॉर होने के बाद हमारी क्लासेस फर्स्ट ऑनलाइन चलेगी फिर जब सिचुएशन बिल्डिंग्स जो भी अगर होप्स नहीं होगी टूटी हुई वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तो उसके बाद वो फिर हमें ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें वापस बुलवा देंगे क्योंकि यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है प्लस उनका वो हमें वापस बुलाएगी यही हमारी होप है। एसडीएम करसोग भी आपके संपर्क में लगातार थे? एसडीएम सर से मेरी बात हुई थी वहाँ से हमारे से वीडियो कॉल भी हुई थी हमारी जब हम बंकर में भी थे तो उनसे हमारी बातचीत हुई वो हमें सांत्वना और उन्होंने हमारे को उम्मीद दी कि आप चिंता मत करो और आपको हम घर वापस जरूर ले आएंगे। अब कैसा लग रहा है आपको? अब हम घर पहुँच गए हैं बुरा भी लग रहा है यूक्रेन के लिए क्योंकि वो भी हमारा एक दूसरा घर जैसा था पर घर पहुँच गए इसलिए सेफ है अच्छा लग रहा है घर पहुंच के। आपको सुरक्षित माना वहां भी सुरक्षित थे? कोई ऐसा डर तो नहीं लगा कि पता नहीं इंडिया जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे ऐसा लगा कभी? थोड़ा बहुत डर था ज्यादा नहीं था जब हम ट्रेन में बैठ चुके थे उसके बाद डर नहीं था बट उसके पहले थोड़ा डर था जब हम रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे थे तब। बहुत धन्यवाद। शिवांश के माता जी जो हमारे साथ हैं इनसे बात करेंगे।
आपका दिव्या हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। आप ये बताएं कि इतने दिनों जो है आप पूरे परिवार सहित जो है परेशान रहे, चिंतित रहे, कैसा लग रहा था कि भाई कैसे इस मुश्किल से निकल पाएंगे? मैं तो इतना कहूँगी कि आज जब अपने बेटे को अपने बीच में पा रही हूँ तो अब सब कुछ ठीक लग रहा है। जितना भी हमने दुख भोगा या जितनी भी टेंशन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। सारा परिवार हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि जो सिचुएशन वहाँ पे हम टीवी पर देख रहे थे उसको देख के लगता था कि कुछ भी हो सकता है, परंतु जब भी हमारी अपने बेटे से बात होती थी तो इसने हमें कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वहाँ पे इतनी सिचुएशन ख़राब है। उसने हमें बहुत सपोर्ट किया और जब भी बात होती थी तो बोलता था कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस टेंशन मत लो, टीवी मत देखो। तो एक हमारे अंदर ये थी कि नहीं, हमारा बेटा स्ट्रांग है, वहाँ पे सेफ है तो कुछ नहीं होगा। पर जब हम बाकी बच्चों से सुनते थे या वीडियो देखते थे या कुछ भी देखते थे तो तब तो बहुत ज़्यादा दुख होता था, पर अब सब कुछ ठीक लग रहा है। पर ये बात ज़रूर है कि उन बच्चों के लिए हमें बहुत दुख हो रहा है जो आ नहीं पाए, जैसे दो बच्चे वहाँ पे डेथ हो गई उनकी, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि काश वो भी सुरक्षित वापस आ जाते। साथ में जो बच्चे रह गए हैं वहाँ पे, मेरी तो यही कामना है भगवान से कि वो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के पास लौट आएँ, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा किसी भी माँ बाप के लिए कुछ नहीं है। तो भारत सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी और भगवान से भी प्रार्थना करूंगी कि सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आएँ और वहाँ का भी जो माहौल है वो भी शांत हो जाए, क्योंकि जो युद्ध है या जो ऐसी सिचुएशन है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। शांति ही सबसे बड़ा सुकून वाला माहौल दे सकता है और बाकी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे भी हो सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक यू। हमारे साथ शिवांश की जो बड़ी बहन हैं, शगुन हैं, इनसे बात करेंगे कि वो अपने घर लौटने पर जो है अब कैसा लग रहा है, क्या आगे आने वाले दिनों में जब वहाँ स्थिति सामान्य होगी तो इनको फिर भेजने के लिए आप सहमत होंगे, बताएं। मुझे शिवांश के आने पे बहुत खुशी है। बहुत टेंशन थी बहुत टाइम, मतलब इतने दिनों से, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अभी वापस सामू के सामने है तो अब थोड़ा सा सुकून है और अच्छा लग रहा है। बाकी अभी जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है तो हाँ, हम सभी फैमिली वहाँ जाएंगे और पहले भी हमारा काफ़ी प्लान था कि हम इसके पास घूमने के लिए जाएंगे सारा पूरा परिवार, पर अभी एकदम से ही इतना कुछ हो गया तो थोड़ा सा वो टेंशन वाली माहौल था, पर अभी जैसे ही ठीक होता है तो हम अभी जाएंगे वहाँ पे। अब पूरा परिवार खुश है? हाँ, सभी खुश हैं अब। हाँ जी, ठीक है।